Hello students, welcome to Dakshina E classroom. We are discussing our next lecture assignment of parabola. और first question देखें, आपने x square equal to 4by के लिए आपको निकालना है parabola, ठीक है? I hope कि ये चीज़ आपको पता हो किस तरीके से इसका हम normal निकालते हैं. तो आप देखो, इसको एक pattern के through भी याद रख सकते हो आप. जैसे आपने अगर x square equal to y square equal to 4x को याद रख करके आप काम चला सकते हो. देखो, इसका अगर मैं कहूं कि नॉर्मल क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म्स को यूज करना हमेशा, y is equal to minus tx plus 280 plus at cube, यही होता है, ठीक है? आप क्या करो इसमें, ठीक है, पैरामीट्रिक वाले में x और y को इंटरचेंज कर लो. किसी और फॉर्म में नहीं करोगे, स्लोप में नहीं करोगे, पॉइंट फॉर्म में नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पैरामीट्रिक वाले में कर लो. तो आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है? ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यहां पे ऐसा कुछ आ जाएगा, b नहीं बल्कि मतलब a मान लेता हूं मैं, ठीक है? तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? अब कोई कहे स्लोप फॉर्म में यूज करना है, तो स्लोप फॉर्म में यूज करने के लिए देखो क्या करो, पहले तो इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस इक्वेशन को mx plus c वाले टाइप से कन्वर्ट करो. तो y is equal to minus 1 by tx आ जाएगा और कितना आएगा, plus 2a plus 80 square आएगा, ठीक है? इसको आप बोल दो m, ठीक है? So it is y is equal to mx plus 2a plus a by m square, ठीक है? आपका कुछ इस तरीके का. तो ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म था, इससे आपने इसको बना लिया. इसको बनाने में कोई लोड नहीं है, लेकिन स्लोप फॉर्म के लिए आप ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे डायरेक्टली आप कुछ कन्वर्जन करने लगो, आप इस तरीके से कन्वर्ट करके याद रखना, ठीक है? अब आपके पास स्लोप फॉर्म आ गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट 1, 2 दिया हुआ था, ठीक है? पैराबोला का पॉइंट तो है नहीं, पैराबोला का पॉइंट होता तो हम डायरेक्टली नॉर्मल लिखने की सोचते, लेकिन ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 1, 2, ठीक है? एक्सटर्नल पॉइंट अगर हमें नॉर्मल खींचना है तो क्या करते हैं, हम इसको सेटिस्फाई करा दें. 2 इज इक्वल टू एम प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर. यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? m की वैल्यू आ गई तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी. नेक्स्ट देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, ax प्लस by इज नॉर्मल टू पैराबोला. तो पैराबोला के लिए नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c और y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. तो अगर यहां से देखें तो y इज इक्वल टू mx, m कितना है आपका, m है आपका माइनस a बाई बी, तो हियर इट इज माइनस a बाई बी x माइनस 2a माइनस a बाई बी. अच्छा, a कितना है, a है आपका p के बराबर, ठीक है? माइनस a की जगह पे आपका क्या आएगा, p आएगा, m क्यूब की जगह माइनस a बाई बी का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके की इक्वेशन होनी चाहिए थी, ओके? अब अगर आपके पास जो इक्वेशन दी गई है ax plus by is equal to 1, इसको अगर आप y is equal to इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या बनाएगा, y is equal to minus a by bx plus 1 by b, ठीक है? यही बनाएगा. तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो कांस्टेंट टर्म 1 by b है, ये आपका इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है, ठीक है? तो इसको इसके इक्वल कर दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है? तो भाई c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, c आपने निकाल लिया 1 बाई बी और माइनस 2a m की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, बस इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका 6-9 पे, आप थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मल की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4y अगेन, ठीक है? तो आप इस ये आपका कर्व का ही पॉइंट है, ठीक है? तो कर्व का ही पॉइंट है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली. भाई 6,9 के लिए अगर मैं कहूं तो पैरामीटर क्या आएगा, पहले उसकी देख लेते हैं. 80 square, 280 यहां पे तो होगा नहीं, यहां पे क्या होगा, 280, 80 square, ठीक है? और ए कितना है आपका, 1 के बराबर है, तो दिस इज 2t, t square इज इक्वल टू 6,9, सो t इज इक्वल टू 3. अब इस इक्वेशन में t इक्वल टू 3 रख दीजिए, आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ठीक है? नेक्स्ट देखो आप फोर्थ में,
नॉर्मल एट ए पी स्क्वायर टू ए पी मीट्स द पैराबोला अगेन एट ए क्यू स्क्वायर टू ए क्यू सच दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पी क्यू आर एट राइट एंगल्स. ठीक है, पी पे आपने नॉर्मल खींचा, उसने क्यू पे वापस से इंटरसेक्ट किया और कहा जा रहा है कि ये ओपी और ओक्यू आपस में 90 डिग्री पे हैं. ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि टी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं, टी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल खींचते हो तो वो किस पॉइंट पे वापस जाके इंटरसेक्ट करता है, माइनस टी माइनस टू बाई टू, यही होता है ना. ठीक है, अगर मैं इसको टी वन बोलता हूँ, इसको टी टू बोलता हूँ, ठीक है, तो टी वन अगर टी है तो टी टू क्या है, माइनस टी माइनस टू बाई टी पे वापस इंटरसेक्ट करता है. तो स्लोप ऑफ ओपी एंड स्लोप ऑफ ओक्यू आर परपेंडिकुलर, सो स्लोप ऑफ ओपी इज टू बाई टी, है ना, स्लोप ऑफ ओपी इज टू बाई टी एंड स्लोप ऑफ ओक्यू सिमिलरली कितना हो जाएगा, टू अपॉन माइनस टी माइनस टू बाई टी इज इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, ओके, तो यहां से अब आप देख लो टी की वैल्यू कितनी आ रही है. ठीक है, अब टी बोलो उसको, पी बोलो, बात बराबर ही है ना. नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू वन कट द पैराबोला इन पॉइंट्स ए एंड बी एंड नॉर्मल्स ड्रॉन एट ए एंड बी मीट एट सी विच डज नॉट लाई ऑन पैराबोला द नॉर्मल टू पैराबोला फ्रॉम सी अदर देन अबव टू मीट द पैराबोला इन डी फाइंड डी. ठीक है, बहुत सारी चीजें कह दी गई. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखो लाइन है, कट करती है पैराबोला को, इस तरीके का पैराबोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन ने कट कर दिया इन पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, तो ये ए और बी सपोज पॉइंट्स हो गए. ठीक है, फिर कहा गया ए और बी पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किए, ए वाले पॉइंट पे सपोज नॉर्मल खींचा मैंने, ठीक है, मान लिया इस तरीके से, बी वाले थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं डायग्राम को, x प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक. अब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल खींचा आपने मान लीजिए इस तरीके का, इस पे आपने नॉर्मल खींचा मान लीजिए इस तरीके का. ठीक है, ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, दोनों पे खींचे गए नॉर्मल्स. ठीक है, ये आपके नॉर्मल्स हो गए, दोनों ने इंटरसेक्ट किया सी पॉइंट पे जाकर के, और सी पॉइंट से थ्रू तीन नॉर्मल्स खींचे जाएंगे, ऑब्वियसली को नॉर्मल पॉइंट होगा, तो ए बी और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, तो हमें वो डी वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाँ डी पॉइंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो आप सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीजों के फेर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे. आप सीधा सीधा सोचो कि आपको क्या पता था कि इस अगर एक एक पॉइंट है जहां से होकर के हमारे पास तीन नॉर्मल्स खींचे जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी पता थी कि इन तीनों नॉर्मल्स के y कोऑर्डिनेट्स का सम कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, पता है y1 plus y2 plus y3 should be zero. ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं मेरे पास x1 y1 है सपोज, यहां पे x2 y2 है सपोज, और ये था आपका x3 y3. ठीक है, तो y1 plus y2 plus y3 आपका जीरो के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है, तो अगर आप लाइन x plus y is equal to 1 को सॉल्व कर लेते हो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के साथ, कैसे, वाई में क्वाड्रेटिक बनाने की ट्राई करो, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का वाई स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, ठीक है, प्लस फोर ए वाई माइनस फोर ए इज इक्वल टू जीरो. तो इसके रूट्स क्या होंगे भाई, वाई वन और वाई टू ही होंगे ना, यही दोनों तो इसके रूट्स होंगे. तो वाई वन प्लस वाई टू आपको पता चल गया कि ये कितना है, माइनस फोर ए है, ये तीनों का सम जीरो होना चाहिए, इसलिए y3 को क्या होना पड़ेगा, 4a. तो अगर आपको y3 निकल गया तो x3 तो आप निकाल ही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट p एंड q, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट टेंजेंट्स एट p एंड q. ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, नॉर्मल ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट p एंड q, ये आपका पैराबोला सर्कल कहीं था. ठीक है, ओके, तो नॉर्मल खींचा गया है, नॉर्मल कहां से खींचा गया है, नॉर्मल सर्कल के लिए है, तो सर्कल के नॉर्मल की क्या खास बात होती है, सेंटर से पास करता है, मतलब जो भी लाइन खींची गई है वो कैसी है, वो लाइन आपकी माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर, गलत तरीके से ड्रॉ हो गया बट इट्स ओके, माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर से पास होती है वो लाइन. ठीक है,
अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं P और Q, इन पे आपको टेंजेंट्स खींचने हैं और टेंजेंट्स का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, ओके। तो आप यहां से क्या बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो ये एच के है, ठीक है, यही एक क्वेश्चन, पैराबोला एट पी एंड क्यू, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो एच के रिस्पेक्ट में देखें तो पी क्यू क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स था ना, तो वाई के माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू जीरो, एक ही जगह पे आपने वन रख दिया, ठीक है। ये होगी पी क्यू की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एच के, और उसके बारे में क्या बताया गया, सर्कल और का किसी काम का नहीं था, बस यही था कि माइनस थ्री माइनस फोर से वो पास करना चाहिए, भाई सर्कल के सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन खींच दो, नॉर्मल का तो काम करेगी ना वो, है कि नहीं है। तो आप देखो, दिस शुड सेटिस्फाई माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर, दिस वे यू विल फाइंड अ रिलेशन इन एच एंड के दैट विल बी योर लोकस, ठीक है। नेक्स्ट अपन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वहां से, फर्स्ट क्वेश्चन है सब टेंजेंट ऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल टू द पैराबोला, ठीक है, तो सब टेंजेंट ऑर्डिनेट और सब नॉर्मल, इसकी लेंथ आपने लिखी होगी, उनके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, सब टेंजेंट मतलब थ्योरी पार्ट में आपने सब टेंजेंट ऑर्डिनेट और नॉर्मल सब नॉर्मल, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। जी टू में देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा टू ए एम, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो क्या होती है, टी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप 1 बाई टी होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल की क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी इज 1 बाई टी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी विल बी माइनस टी, भाई 1 बाई टी के परपेंडिकुलर ही होगा ना, ठीक है, तो टी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है 1 बाई टी, तो नॉर्मल की कितनी होगी, माइनस टी, है ना। इस पॉइंट का टी कितना है, इस पॉइंट का पैरामीटर एम है ना, तो एम वाले पॉइंट पे स्लोप कौन सी क्रिएट होगी, माइनस एम, ठीक है, टी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप माइनस टी, एम पॉइंट पे माइनस एम, तो माइनस एम स्लोप वाला आपको नॉर्मल माफ कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, ये याद रखना हमेशा, बहुत काम की चीज है ये, नॉर्मल के लिए अगर सॉरी टेंजेंट की पहले बात कर लेते हैं, टी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो उसकी स्लोप 1 बाई टी होती है, नॉर्मल खींचते हो तो उसकी स्लोप माइनस टी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट द नॉर्मल मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। तो देखो आप अभी जो बात करी हमने इसी से काम चल जाएगा कि आपने कहा कि 45 डिग्री वाला केस चाहिए हमें, है ना, 45 डिग्री वाला, ओके, 45 रहे 135 रहे, दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो इसका मतलब यू वांट कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज प्लस माइनस वन, दैट मींस माइनस टी शुड बी प्लस माइनस वन, तो टी शुड बी प्लस माइनस वन, तो आपको ऐसा पॉइंट चाहिए जहां टी आपका प्लस वन हो जाए या माइनस वन हो जाए, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला भी आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल है 2x plus y plus lambda equal to 0, वो lambda की किस वैल्यू के लिए नॉर्मल का काम करेगा, तो फिर से वही c is equal to minus 2am minus am cube, this time your a is minus 2, so minus 2 minus 2m minus minus 2m cube, ठीक है, और m की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अच्छा c कितना है, तो c आप लिख सकते हो ना, y भाई y is equal to minus 2x minus lambda था, तो c आपका कितना है, minus lambda के बराबर, तो c is minus lambda, ठीक है, और m कितना है आपका, minus 2 है, रख दीजिए lambda की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ अदर नॉर्मल टू पैराबोला विच पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दोज, अच्छा मतलब नॉर्मल्स के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फिर से वही वाला जो अभी हमने केस डिस्कस किया था, कुछ वैसा ही है ये, ये 4a 4a मान लीजिए, है ना, और ये रहा आपका 9a माइनस 6a, ये तो मैंने कुछ गलत बना दिया, इंटरसेक्शन इस पे आपने नॉर्मल खींचा 4a 4a पे, है
है ना, और 9 ने माइनस 6 ए पे खींचा, दोनों ने मान लीजिए यहां पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये ए था ये बी था, इनने पी पे इंटरसेक्ट किया और पी से हमने एक और नॉर्मल खींचना चाहा है, ठीक है, ये कहा गई, कही गई है बात, विच पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ तो एक मतलब ये दोनों ने यहां इंटरसेक्ट किया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक और नॉर्मल खींचना चाहते हैं, सपोज वो पॉइंट सी है, ठीक है, तो फिर से वही y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होता है, जीरो, तो इसलिए 4a माइनस 6 से, तो यहां का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2a, ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर आपका 2a आ गया तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना होना चाहिए अपन देख के बता सकते हैं क्या, ये, ठीक है, तो a कॉमा 2a पे वो वापस से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, a कॉमा 2a वाले पॉइंट के लिए भी ए कॉमा 2a पे नॉर्मल की इक्वेशन अपन निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट x1, डज नॉट सबटेंड अ राइट एंगल एट, डज नॉट सबटेंड, ठीक है, x1 का मतलब क्या हुआ, इस नॉर्मल की तो कोई बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है, x1, मतलब ये पॉइंट 2a, ठीक है, नहीं 2a, नहीं यार, सॉरी 4a, ठीक है, जहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर हो, ठीक है, 4a, अब 4a वाले पॉइंट पे आपने खींचा क्या है, एक नॉर्मल, तो 4a पे आपने नॉर्मल खींच लिया, तो 4a, 4a का t कितना था, 2 था, अब t वाले पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल, कहां इंटरसेक्ट करता है, माइनस t माइनस 2/t, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो अगर ये माइनस 3 है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 9a माइनस 6 से, ठीक है, ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि ये जो सेगमेंट है वो कहां पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां पे नहीं कर रहा है, तो आपको सारे पॉइंट्स तो ऑप्शंस के थ्रू ही पता चलेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये आपका P पॉइंट है, सपोज ये Q पॉइंट है, ठीक है, PQ को डायमीटर लेके सर्कल बना दो, ठीक है भाई, PQ को डायमीटर लेकर के अगर सर्कल बना दोगे तो सर्कल पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे एंगल कितना सबटेंड होगा, 90 डिग्री सबटेंड होगा कि नहीं, क्या कह रहा हूं मैं कि PQ को डायमीटर लेके सर्कल बना दो, तो अगर ये एंगल देखेंगे चाहे कहीं पे भी एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होगा, मतलब ऐसा पॉइंट जो इस सर्कल पे लाई करेगा उन सारे पॉइंट्स पे हम कितना एंगल सबटेंड कराएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर का काम कर रहा है और डायमीटर जो है सर्कल के लिए हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो आप इस सर्कल की इक्वेशन लिख लो, एक्स माइनस 4a एक्स माइनस 9a प्लस वाई माइनस 4a वाई प्लस 6a इज इक्वल टू 0, ये आपके सर्कल की इक्वेशन हुई, ये सर्कल की इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उन पे ये डायमेट्रिक सेगमेंट जो है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, तो ऑप्शंस में देख लो कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द कर्व y2 = x फ्रॉम पॉइंट c, 0, फिर से वही बात, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है c, 0, तो y2 = 4x टाइप का ही है, तो y = mx - 2am, ए कितना है 1/4, ठीक है, am क्यूब, ठीक है, पासेस थ्रू c, 0 सेटिस्फाई करा दिया, तो 0 = mc - half m - half m³, ठीक है, तो एक m = 0 आ जाएगा, m = 0 जो कि c, 0 से पास करता हो, कौन सी लाइन होगी जरा सोचो, जरा m = 0 जबकि c = 0 से पास c, 0 से पास करती हो, x एक्सिस हो जाएगी ना, तो वो तो मतलब है ही नॉर्मल है ही हमेशा, ठीक है, हमें निकालना वैसे क्या था, सी के लिए पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ओके, तो सी को हमने लिख लिया, एक तो वही केस हो गया m = 0 वाला, ठीक है, m = 0 वाले केस के लिए तो कुछ खास सोचना ही नहीं है, वो तो आपका नॉर्मल रहता ही रहता है, c = बाकी देखो कितना आ रहा है, प्लस हाफ m स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, हमेशा हाफ या हाफ से बड़ी होगी,
तो c की वैल्यू आप देख लो, जो भी हाफ के केस में तो m इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो m इक्वल टू जीरो की बात नहीं करेंगे, बाकी हर सिचुएशन में c आपका कैसा आएगा, हाफ से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हाफ से बड़ा एक ही ऑप्शन है, सिर्फ टू, उसी को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, नॉर्मल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस। ठीक है, तो नॉर्मल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट एच के ले लिया। ठीक है, इसका इक्वेशन टी इक्वल टू एस वन से लिख दो, वाई के माइनस 2a into x plus h is equal to k square minus 4h, ये normal है। ठीक है, मतलब y को अगर लिख लें हम तो 2ax by k, ठीक है, plus k square minus 2ah by k, ठीक है, तो m आपका 2a by k के बराबर है, तो m आपका ये है, c is equal to minus 2am minus am cube, आप ऐसा चाहते हो तो c की जगह आप इसको रख दो, k स्क्वायर माइनस 2ah by k, भाई यही कंडीशन है ना, ये नॉर्मल का काम कब करेगा, जबकि दिस फॉर दिस लाइन c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो c आपका आपने लिख दिया इज इक्वल टू माइनस 2a इनटू m, m आप रख सकते हो, a m क्यूब फिर से रख दो, आपके पास लोकस निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अपना, कॉम्प्रिहेंशन वाला। कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा गया है, कंसीडर थ्री लाइंस, ठीक है, y एक्सिस y इक्वल टू 2 एंड lx प्लस my इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय गिवन थ्री लाइंस इज अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज, ठीक है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन शायद, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वन का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो लाइंस ड्रॉ कर लें, तो एक है आपका y एक्सिस, बिल्कुल y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, एक y इक्वल टू 2 हो गया, और तीसरी चीज है lx plus my is equal to 1। ठीक है, तो lm कहां पे लाई करता है आपका, y square equal to 4x पे। ठीक है, एक तीसरी लाइन है आपकी lx plus my is equal to, ठीक है, lm उस पे लाई करता है, मतलब क्या हो गया, m square equal to 4l हो गया। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्म बाय गिवन थ्री लाइंस। तो मान लो कि ये आपका ट्रायंगल है, इसका आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है, यही सिचुएशन है सर्कम सेंटर ही। ठीक है, तो सर्कम सेंटर के लिए देखो आप, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ट्रायंगल को, ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी तीनों लाइनें हो गई। अब तीनों लाइनों में देखो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट तो क्या आ गया आपका, 0, 2। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1 ने वाई इक्वल टू 2 को जब इंटरसेक्ट किया, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 2 रखा हमने, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2m अपॉन l, तो 1 माइनस 2m अपॉन l कॉमा 2। ठीक है, और यहां पे आप देख लो, अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका x 0 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका, माइनस 1 बाई m। ठीक है, तो x 0 है, y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1 बाई m। ठीक है, अब इनका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने यहां से बना दिया, एक यहां से बना दिया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, और ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी भाई, ये मिड पॉइंट से पास करेगा, होगा तो कैसा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये पॉइंट क्या आएगा, 0, -1 और 0, 2 का मिड पॉइंट, जो कि होगा 0, -2 बाई एम बाई 2। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट 2, -1 बाई एम बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट का, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आपने इस लाइन की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट फिर से आपके पास आने वाला है 1, -2m/2l, है ना, कॉमा 1, तो ये पॉइंट आ गया। इस बार इस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी
x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2m बाई 2l, ठीक है, ये आपका हो गया। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट होगा कुछ ऐसा, y कोऑर्डिनेट होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका h रहा, ये आपका k रहा, आपको लोकस निकालना था, तो अब आप क्या कर सकते हो, l को निकाल सकते हो, l को निकाल लोगे तो दिक्कत होगी भाई, ये कंडीशन है ना एम स्क्वायर इक्वल टू 4l वाली, ओके। तो चलो यहीं से देख लेते हैं, k को कंपेयर करते हैं, 2 माइनस 1 बाई एम बाई 2 इज इक्वल टू k, तो 2 माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2k, सो 1 बाई एम इज 2 माइनस 2k, तो m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 माइनस 2k, तो m की जगह पे आप रख दो, यहाँ पे m की जगह पे 1 अपॉन 2 माइनस 2k, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू l। एल के लिए क्या करें, तो अब जरा ये जो m की वैल्यू निकली है ना उसको यहां पे रख दो इसमें, ठीक है, देखो h इज इक्वल टू 1 माइनस 2, m की जगह पे अपन रख देंगे 1 अपॉन 2 माइनस 2k अपॉन 2l, ठीक है। तो यहां से आपके पास l की वैल्यू निकल करके आ गई, l की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो अब m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू l, ये वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपका पैराबोला मिल जाएगा, ठीक है, पैराबोला आ जाएगा, तो फिर निकाल लेना जो भी निकालना है, वर्टेक्स वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला ऑब्टेंड, ठीक है, तो पैराबोला निकल आया, तो फिर आगे वाला पार्ट आप कर सकते हैं, दो सेकंड और थर्ड दोनों ही, क्योंकि एक में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और दूसरे थर्ड वाले में क्या है, पैराबोला को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक बार को ये आपने निकाल लिया तो फिर आप देख लोगे, ठीक है। तो मेनली यहां से आपको पैराबोला की इक्वेशन तक पहुंचना है, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4l था, m स्क्वायर आपने लिख लिया है, 4l आप यहां से रख दो, कैसे कैसे निकाले, सरकम सेंटर आपने निकाल लिया ml के टर्म्स में, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि आपको तो इन दोनों को रिलेट करना था, तो आपने कहा कि दिस इज इक्वल टू k एंड दिस इज इक्वल टू h, बट m स्क्वायर इज इक्वल टू 4l, तो यहां से आपने m को निकाला k के टर्म्स में, m को k के टर्म्स में रखा, तो h भी सॉरी l भी आपका आ गया h k के टर्म्स में। अब हमें पता था कि भाई m यहां से आ चुका है, l यहां से आ चुका है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वहां से आपके पास एच के में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि PQ आपका एक वेरिएबल फोकल कॉर्ड है, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स गिवन है A, तो PQ इज अ वेरिएबल फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वेयर वर्टेक्स इज A, ठीक है, PQ आपका वेरिएबल कॉर्ड हो गया फोकल कॉर्ड, ठीक है, तो ये मतलब T है, तो ये क्या होगा माइनस वन बाई टी होगा। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल APQ का लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, h इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर बाई 3, k इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस 280 माइनस 2a बाई टी बाई 3, ठीक है, ठीक है। पहले तो इस P1 की ही बात करनी है, इसी का पैराबोला बनाना है, तो 3h इज इक्वल टू a कॉमन लेके t स्क्वायर प्लस 1 बाई t स्क्वायर, a को भी मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, इससे ये बन जाएगा। यहां से देखिए k इज इक्वल टू 3k ही लिख लेता हूं, 3k बाई a इज 2a इज इक्वल टू इनफैक्ट t माइनस 1 बाई t, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं इसको सेकेंड बोलता हूं, ठीक है, तो यहां से आप t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 निकाल सकते हो, ये जो होगा ये कितना होगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, और इसकी जगह पे आप रख दो 3h बाई a, तो आपका पैराबोला की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। पैराबोला का आपको वर्टेक्स भी पता चल जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम भी पता चल जाएगा, ठीक है, निकाल ही लेते हैं फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, तो ठीक है, सिक्स्थ में क्या कहा जा रहा है, डेल्टा वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग T1, T2 एंड T3 ऑन पैराबोला P1 एंड डेल्टा टू इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट T1, T2 एंड T3,
ओके तो एक बार निकाल लेते हैं पैराबोला की इक्वेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 बाई t स्क्वायर इज 3h बाई a माइनस 2। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4a स्क्वायर को, तो 3h इंटू 4a माइनस 8a स्क्वायर इज 12ah माइनस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मतलब k को y ही लिख देता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12a x अपॉन 9 माइनस 8a स्क्वायर बाई 9, ये आपके पास निकल करके आ रहा है। ओके, तो अगर इसमें से अपन देखें कुछ कॉमन उमन निकाल के, तो क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 4a बाई 9 निकाल सकते हो क्या, या 12a बाई 9 ही निकाल लिया आपने मान लीजिए, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 12a बाई 9 कॉमन x माइनस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 बाई 9 बाई 12 बाई 9 मतलब 2 बाई 3। ठीक है क्या, यही बन रही इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 12a बाई 9 इंटू x माइनस 2a बाई 3। तो वर्टेक्स आपका आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आपका लेटेस्ट रेक्टम इसके बराबर हो गया 12a बाई 9 के बराबर। ठीक है।